विरोधी दल नेता चयन पर आज बसुची बीजेपी विधायक दल बैठक पर्यवेक्षक भाव बीजेपी केंद्रीय साधारण संपादिका सरोज पांडे जोगदेव राज्य प्रभारी अरुण सिंह और केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित में विरोधी दल नेता सहमति प्रकाश पाव रेस आगे अच्छा संबलपुर विधायक जयनारायण मिश्रा और भवानीपाटना विधायक प्रदीप्त नायक यह पदपी पूरा फिट अच्छा जयनारायण कही बेले प्रदीप्त नायक कहते दल जहाँ निष्पत्ति ने ग्रहण करेंगे आज बैठक में सदस्य संग्रह अभियान नहीं मध्य आलोचना होबार कार्यक्रम रही बैठक में 36 सांगठनिक जिलार प्रभारी एवं सभापति जोगदेवे एवं दलर सभ्य संख्या 36 लक्ष थिबा बेले 45 लक्ष को वृद्धि करने को लक्ष्य रखाई जुलाई सदस्य संग्रह अभियान हो समय जिलार जिलास्तरीय संगठन पुनर्विन्यास हो पारे से ही क्रम राज्य सभापति चयन होबार संभावना रही उड़ीसा के हितों के लिए जो लड़ाई लड़े उनकी आवाज़ उठाए ऐसा व्यक्तित्व की का चयन होगा और बाकी विधायक दल जो में जो विधान हमारे माननीय विधायक जी लोग हैं वो नेता का चुनाव करेंगे जितने बैठक हम मत पचार मोर मतामत दे पारे किंतु वर्तमान पर्यंत मु कौन सी मतामत देना कि मत कौन मतामत पचारी ना फिट अच्छे देखुं तो फिट अच्छे पूरा कौन सी दायित्व पार्टी दबाव बोले तुले प्रस्तुत अच्छे यदि पार्टी सर्वांतकरण जी निर्णय नहीं कि घोषणा करते हैं पार्टी काम करसुविधा नहीं आम तो बहुत दिन रो पार्टी काम करूचु पार्टी कि भाव बढ़ काम कले आपको बहुत मान सम्मान भी रकम काम करने दृढ़ परिकर हवा बद्धपरिकर हवा तेज अधिक आलोचना आम सहित फोन लाइन में जोड़ आम प्रतिनिधि शांतिभूषण मिश्र शांतिभूषण विरोधी दल नेता चयन पर आज बीजेपी विधायक दल बैठक बसुची बैठक केते बेले बसिबो एवं खास करी क्यों क्यों आधार रे नेता चयन करा जिवो देखो आज अपराह में विरोधी दल नेता चयन बैठक बस तीनटा बेले बैठक बस जो केन्द्रीय पर्यवेक्षक भाव बीजेपी साधारण संपादिका सरोज पांडे जोगदेवे केन्द्रीय केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान रे राज्य प्रभारी अरुण सिंह रे सब विधायक मैंने रे सहमति आधार में नेता चयन कर जो चर्चा रही ना गुड़िक भितर जयनारायण मिश्र सब आगे अच्छे चारि थर विधायक संबलपुर विधायक और प्रदीप नायक जे भवानीपाटना निर्वाचित होती बीजेपी रु से चारि थर विधायक ये दुई जन ना को नहीं चर्चा होती सहित मोहन माझी जे केन्द्रधर विधायक तीन थर निर्वाचित होती ना को नहीं कदि जयनारायण मिश्र गत काली कही से संपूर्ण फिट अच्छा स्वास्थ्यगत कारण जदि दल न चाहे विरोधी दल नेता करने प्रदीप नायक नाग चर्चा होसबू भितर जो सहमति भितर आप शुणुते अरुण सिंह जहाँ कहते राज्य समस्या जो रही विरोधी दल हिसाब से मुख्य विरोधी दल हिसाब से प्रथम थर पर बीजेपी जो मुख्य विरोधी दल भूमिका तुले विधानसभा जो जो प्रसंग गुड़िक लोक लोक रही से प्रसंग गुड़ी नहीं विधानसभा उत्थापन करने दल प्राथमिकता देव और केवल विरोधी दल नेता नुहं विरोधी दल मुख्य सचेतक उपमुख्य सचेतक चयन करदि आप देखिए एथरक 23 विधायक भितर दुई विधायक जयनारायण मिश्र और प्रदीप नायक चारि थर विधायक अच्छा सेमती मोहन माझी तीन थर विधायक सुभाष पाणीग्राही से तीन थर निर्वाचित होती भास्कर मड़ई से तीन थर निर्वाचित होती तो तीन थर निर्वाचित होता विधायक संख्या तीन रही दुई थर विधायक निर्वाचित संख्या चार अच्छा से मुख्य सचेतक किंवा उपमुख्य सचेतक करे जमीक आप विष्णु चरण सेठी जे धामनगर विधायक से शंकर ओराम अच्छा के नारायण राव जे शेष मुहूर्त में बीजेपी को आसते सुकांत नायक जे नीलगिरी लड़ी तो कहुपे जे आज जो मानस मंथन हम विरोधी दल नेता चयन बैठक में से तमाम दिग उपर आलोचना हो सका बेला जो बैठक अच्छी दुईट बैठक अच्छी सका बेला जो बैठक अच्छी से सदस्यता अभियान जो आरंभ हम बीजेपी जुलाई 6 से नहीं मानस मंथन हो जिला सभापति 36 सांगठनिक जिलार सभापति जिला प्रभारी मैंने जोगदेवे से केन्द्रमंत्री अरुण सिंह से बैठक रही जो लक्ष्य रखा जाए बीजेपी दाबी करुची वर्तमान सुधा 36 लक्ष सदस्य रही बीजेपी प्रथम तीन मास भितर अर्थात जुलाई रु तीन मास भितर 36 लक्ष को 45 लक्ष भितर कर 25% अर्थात 25% अधिक सदस्यता संग्रह तृणमूल स्तर बूथ स्तर ब्लॉक एवं जिला एमती सांगठनिक पुनर्विन्यास परे
ସଭା ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ଚୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ତିନି ବର୍ଷରେ ବିଜେପି ତାର ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେଥିବ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସଭାପତି କରାଯାଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଜୁଲାଇ ଛଅରୁ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେବେ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ବିଜେପି, ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜୟନାରାୟଣ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ କାହାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରିପାରେ ବିଜେପି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ତ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସେ ତିନି ଥରର ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି। ଦଳ ଚାହିଁବ ସହମତି କାହା ନାଁରେ ହେଉଛି ଏବଂ ସହମତି ଆଧାରରେ ହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସରୋଜ ପାଣ୍ଡେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ହିଁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ବେଳେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିବ ତାପରେ ହିଁ ଚୟନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଆମେ ଯାହା କଥା ହଉଥିଲୁ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ସେ ବୋଧେ ଅନାଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଏହି ପଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାଙ୍କୁ ଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ରହିବ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି ଯେ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମେ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବ। ଯଦି ବିଲକୁଲ ଆଜି ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସୁଛି, ଦେଖିବାର କଥା ଯେ କାହା ନାଁରେ ମୋର ବାଜୁଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।